जम्मू कश्मीर के गांवों में अब रौनक लौट रही है। पलायन रुक रहा है, अपने ही गांव में महिलाएं स्वाभिमान के साथ काम कर रही हैं। यहां की कारीगरी, शिल्पकारी, दस्तकारी, बुनकरी, कृषि और बागवानी आदि अब समूचे भारत को गौरवान्वित कर रही हैं। गांवों में ही उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को लोन की सुविधा और तकनीक की सहायता मिल रही है। ये कमाल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है। आज ये योजना गांवों में गरीब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त बना रही है। चलिए इस योजना और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का शुभारंभ 2011 में हुआ। समय समय पर इस योजना में विभिन्न चरणों पर बदलाव होते रहे और 2016 में इसमें व्यापक सुधार कर इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से पुनः प्रक्षेपित किया गया। आज ये योजना देश के अन्य गांवों की तरह जम्मू कश्मीर के गांवों की गरीबी को दूर करते हुए सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना कर उन्हें आजीविका के विविध स्रोत प्रदान कर रही है। जम्मू कश्मीर की ग्रामीण आबादी 90 लाख से अधिक है, इसलिए गांवों के विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना करना भी असंभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करने, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर और सरल तरीकों से उनकी पहुंच बनाने, पारिवारिक आय को बढ़ाने व रोजगार आदि बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को करने के लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता भी मिलती है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर दस्तकारी, बुनकरी, लैवेंडर का तेल, पीपर मैशी, काला जीरा, अनारदाना और पत्तर निर्माण आदि बनाने का व्यापार कर आजीविका कमा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं अपने नियमित बचत से एक कोष बना लेती हैं और उसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में करती हैं। इन लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस तरह करें आवेदन। इस समूह से जुड़ने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर जाकर SHG रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। आपके सामने PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन KVIC की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज में सही सही जानकारी भरें। जब आपका रजिस्ट्रेशन भर जाए तो एक बार चेक कर लें कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है या नहीं, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं। सारी जानकारी चेक करने के बाद सेव माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके द्वारा दिया गया सारा डेटा सेव हो गया है। कुछ दिनों में आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को वेरिफाई कर ग्रुप बना लिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से इस समूह से जुड़ना चाहते हैं तो अपने गांव में उन महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं
जो पहले से ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। गांव के किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क कर, जैसे ग्राम प्रधान या आंगनवाड़ी केंद्र संचालक से संपर्क करें। समूह हम सबका है सखी, समूह की मंजिल नेक, अपना दुख भी एक सखी, अपना सुख भी एक।